नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आमोद है। मैं एक पेन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में काम करता हूँ। आज हम बात करेंगे हील पेन के एक कॉमन कॉज के बारे में, जिसका कि नाम है प्लांटर फेशियाइटिस। हम बात करेंगे कि ये कंडीशन क्यों होती है, किन लोगों में ज़्यादा देखी जाती है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका डायग्नोसिस कैसे बनता है और इसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जा सकता है। तो प्लांटर फेशियाइटिस एक हील पेन का काफ़ी कॉमन कॉज है। प्लांटर फेशिया एक बैंड होता है जो पाँव के तलवों में होता है और ये पाँव को एक साथ बांध के रखता है। ये हील से लेकर के आगे टोज यानी कि पाँव की उंगलियों की तरफ तक जाता है और ये एक तरीके का शॉक अब्जॉर्बर है। आप समझ सकते हैं, जब हम चलते हैं जो फुट की आर्चेस है यानी कि जो फुट की बनावट है उसको मेंटेन करने में ये मदद करता है। और जब इस प्लांटर फेशिया की इरिटेशन हो जाए या इसको किसी वजह से डैमेज हो जाए ये, तो ये कंडीशन यानी कि प्लांटर फेशियाइटिस और हील पेन आने लगते हैं। तो ये कॉमनली ये कंडीशन 40 से 60 साल के लोगों में पाई जाती है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन 40 से 60 साल में ज़्यादा कॉमन है और फीमेल्स में यानी कि औरतों में ये कंडीशन ज़्यादा कॉमन पाई जाती है। इसके टिपिकल सिम्टम्स ये होते हैं कि हील के नीचे एक शार्प यानी कि चुभने वाला दर्द होता है या कभी कभी भारीपन या एकिंग जैसा दर्द भी होता है। और जैसे जैसे ये कंडीशन और बढ़ती है, कभी कभी ये खाली हील पे नहीं रहता है बल्कि आगे पाँव की तरफ भी जाने लगता है। और ज़्यादातर लोगों को ये परेशानी तब होती है जब वो एकदम से चलना शुरू करते हैं। जैसे सुबह सुबह उठेंगे और ज़मीन पे जब पहला कदम रखेंगे, थोड़ा सा चलेंगे तो ये दर्द बहुत ज़्यादा होता है, और अगर वो चलते रहें तो कभी कभी ये दर्द कम हो जाता है। ऐसे ही दिन में बहुत देर के लिए कहीं बैठे और एकदम से उठ के चलना शुरू किया तो ये दर्द ज़्यादा आता है और चलते रहने पे फिर कम हो जाता है। तो ये इसके टिपिकल सिम्टम्स हैं। और ये कुछ लोगों में ज़्यादा देखा जाता है, यानी कि इसके रिस्क फैक्टर्स में ओबेसिटी यानी कि ज़्यादा वज़न होना एक कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है। उसके अलावा अगर आप अपने पाँव पे पूरा दिन खड़े रहते हैं या आपका जो भी रोज़मर्रा का रूटीन है उसमें ज़्यादा वॉकिंग है, स्पेशली अगर आप बेयर फुट वॉक करते हैं यानी कि बिना चप्पलों के, या आपकी चप्पल जो बहुत हार्ड है, उन लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। उसके अलावा मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी हाल ही में ही अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज किया होता है, जैसे कि अभी उन्होंने भागना शुरू किया या रनिंग शुरू करी, या उन्होंने कोई एरोबिक्स या स्पोर्ट्स शुरू किए जिसमें कि उनका पाँव जो है एक हार्ड इम्पैक्ट होता है पाँव में हील पे एक हार्ड सरफेस के ऊपर। तो ऐसे लोगों ऐसी कंडीशंस में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो इसके बारे में और कुछ बताने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको एक छोटा सा एनिमेशन दिखा करके ये समझाऊँ कि ये प्लांटर फेशिया है कहाँ पे। तो ये एक पाँव का मॉडल है और प्लांटर फेशिया में जो दर्द आता है वो हील के इस हिस्से में आता है। और अगर हम स्किन हटा दें तो ये एरिया है जो हील की जो बोन है जहाँ पे दर्द आता है। और आप देख सकते हैं कि इसमें टांग की हड्डियाँ यानी कि टिबिया और फिबुला भी दिखाई दे रही है। और अभी आप देखेंगे तो ये प्लांट, अब जो मैं दिखा रहा हूँ वाइट, ये प्लांटर फेशिया है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये पीछे हील से शुरू होकर के आगे उंगलियों तक जा रहा है, और क्योंकि ये पूरे फुट के अक्रॉस स्ट्रेच हो रहा है तो ये पूरे फुट को एक तरीके से बांध के रखता है एक स्प्रिंग की तरह। और जो फुट की आर्चेज हैं यानी कि जो उसका कॉन्टूर है, जो उसका कर्वेचर है, उसको मेंटेन करने में ये मदद करता है। तो अगर हील पे ज़्यादा दबाव होगा तो पाँव के निचले हील के नीचे पिछले हिस्से में ये दर्द करने लगता है। अगर हम इस कंडीशन के डायग्नोसिस की बात करें तो ये खाली हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से भी बनाया जा सकता है, लेकिन जब मरीज़ मेरे पास आते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनका क्लिनिक में ही एक अल्ट्रासाउंड करके इस डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकूँ। अल्ट्रासाउंड करने से एक और फ़ायदा ये होता है कि अगर प्लांटर फेशिया में यानी कि वो जो एक बैंड जो मैंने आपको दिखाया पाँव के नीचे, उसमें अगर कोई टीयर्स हो
या वो बहुत ज़्यादा डीजनरेटेड हो, तो उसको भी आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। कभी कभी हम एंकल का एक्सरे या फुट का एक्सरे मांगते हैं ये देखने के लिए कि कोई हील में कोई स्पर्स तो नहीं है, या कोई जॉइंट में एंकल के कोई आर्थराइटिस तो नहीं है, या किसी और जॉइंट में तो प्रॉब्लम नहीं है। और कभी कभी अगर डायग्नोसिस में कन्फ्यूजन हो या क्लियर ना हो तो हम MRI भी रिक्वेस्ट करते हैं। ये डायग्नोसिस एक बार अगर बन जाता है तो नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रीटमेंट करने के लिए। नाउ ये कंडीशन जो है ये काफ़ी डिसेबलिंग हो सकती है। अगर आपकी वॉक करने में प्रॉब्लम आने लगे तो इट कैन सीरियसली लिमिट योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और आप जो कर सकते हैं उसकी क्षमता में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसको हील करने में अपने आप करीब 10 से 12 महीने भी लग सकते हैं, तो इतने समय के लिए अगर आपकी वॉकिंग में प्रॉब्लम हो तो ये काफ़ी एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, यानी कि जैसे कि अगर आपने अभी अभी भागना दौड़ना या रनिंग या कोई ऐसी एक्सरसाइज शुरू करी है तो उसको थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ता है। अपने शूज़ और फुटवेयर को चेक करना पड़ता है कि वो राइट है या नहीं है, ताकि जो हील पे इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हम कम कर सकें। इसमें जो इंसोल या ऑर्थोटिक्स होते हैं वो काफ़ी मदद करते हैं, क्योंकि वो एक कुशनी सरफेस या एक स्पॉन्जी सरफेस दे देते हैं जिसकी वजह से हील पे जो इम्पैक्ट आता है वो कम होने लगता है। और इसके अलावा बेयर फुट वॉक करने से ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है, और हार्ड चप्पल जैसे कि लेदर चप्पल इंडिया में बहुत चलती हैं उनसे भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है। तो इट इज़ बेटर टू यूज़ जो रबड़ की चप्पल होती है या जो स्पॉन्जी शूज़ होते हैं उनको यूज़ करके हील पे जो इम्पैक्ट है वो कम किया जा सकता है। उसके अलावा अगर आपने हाल ही में वज़न गेन किया है तो ज़रूरी है कि वेट मैनेजमेंट का भी सहारा लिया जाए, ताकि जो हील पे प्रेशर पड़ रहा है वो कम हो सके। और आइस, अगर एक आइस बॉटल को नीचे रख करके उसके ऊपर पाँव को रोल किया जाए तो उससे भी आराम मिलता है, और ये दिन में 3-4 बार आराम से किया जा सकता है। इसके अलावा दवाइयाँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ इस कंडीशन में दर्द को कम करने की मदद कर सकती हैं, जब तक आप बाकी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी कि अपना शूज़, अपना एक्टिविटीज़, अपना वेट, वो सब जब आप एड्रेस कर रहे हैं तो उस समय ये दवाइयाँ मदद कर सकती हैं। और एक जो बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है ट्रीटमेंट का वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी मदद करेगा अगर आपकी काफ मसल्स या प्लांटर फेशिया टाइट है तो उसको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए मदद करेगा। उसके अलावा इनको स्ट्रेच करने से फ्लेक्सिबिलिटी भी थोड़ी सी बढ़ती है तो उससे भी दर्द कम होता है। कभी कभी हम नाइट स्प्लिंट्स का मदद भी लेते हैं, यानी कि एक आपके फुट को, नाइट स्प्लिंट एक चीज़ है जिससे कि आपके फुट को एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखा जा सकता है रात भर, तो वो थोड़ा सा फेशिया को स्ट्रेच करके रखते हैं और उससे मदद मिलती है। लेकिन काफ़ी लोगों को ये रात भर पहनने में प्रॉब्लम होती है, टॉलरेबिलिटी में प्रॉब्लम होती है, तो कभी कभी इनको सुबह सुबह अगर 10 मिनट के लिए भी पहना जाए, यू नो, सुबह चलना शुरू करने से पहले, तो उससे भी कभी आराम आ सकता है। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हुए हम आपको आराम देने की कोशिश करते हैं, और अगर उसके बावजूद आराम ना आए तो नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है इंजेक्शंस का। अब इसमें जो हम इंजेक्शंस करते हैं वो ज़्यादातर 2 प्रकार के होते हैं, या तो उसमें हम स्टेरॉइड्स इंजेक्ट करेंगे या हम उसमें PRP यूज़ करेंगे। जो भी इंजेक्शन किए जाएं उनको अल्ट्रासाउंड से करने में मदद अच्छा रहता है, क्योंकि उससे एक्यूरेसी इंश्योर होती है, जहाँ पे आप दवाई देना चाहते हैं वहीं पे देते हैं, तो उससे कॉम्प्लिकेशंस का भी चांस कम हो जाता है। तो अगर हम स्टेरॉइड इंजेक्शंस की बात करें तो स्टेरॉइड्स का एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल होता है, वो दर्द को भी कम करने में मदद करते हैं, और एक लो डोज स्टेरॉइड इंजेक्शन इस कंडीशन को का दर्द हटाने में आपकी मदद कर सकता है। स्टेरॉइड इंजेक्शन के बाद ज़रूरी है कि आप 2 हफ्ते तक, अंदाजन 2 हफ्ते तक कोई हैवी एक्टिविटीज़ ना करें। दूसरा इंजेक्शन जो हमने बात करी थी वो था PRP का, PRP यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें हम आपके शरीर की जो हीलिंग की क्षमता है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो शरीर के अंदर जो शरीर में खून है उसके अंदर एक सेल्स होते हैं जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं। तो हम इस ट्रीटमेंट में आपका एक खून का छोटा सा सैंपल लेते हैं और उसको एक मशीन में डाल करके इन प्लेटलेट्स को, इन सेल्स को अलग कर लेते हैं। इन सेल्स के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं,
और ग्रोथ फैक्टर्स जब एक जगह पर डाले जाएँ तो वो हीलिंग को प्रमोट करते हैं। तो इस ट्रीटमेंट में हम प्लेटलेट्स को अलग करके अल्ट्रासाउंड की मदद से उस जगह पे इंजेक्ट करते हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम है, और जब वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स जाते हैं तो वो हीलिंग को प्रमोट करते हैं, और उसका असर आने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे रहते हैं और आपके दर्द और दर्द में लंबे समय तक आराम आने की हमें उम्मीद रहती है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट्स के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं तो ये सारी जानकारी आपके काम आएगी। मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।